कृषि उपज मंडी समिति में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर अनेक भक्त शामिल होकर पुनः लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और बड़ा होता है और बड़ा होते होते पूर्णिमा को पूर्ण रूप से बड़ा हो जाता है। लेकिन वास्तविक स्थिति ये कहती है कि चंद्रमा ना बढ़ता है ना घटता है, उसकी कला ही बढ़ती है कला ही घटती है। ऐसा ही हमारा शरीर है, शरीर जन्म लेता है शरीर मरता है, शरीर मोटा होता है शरीर पतला होता है। आत्मा ना मरती है न जन्मती है, आत्मा का संबंध ठाकुर जी से, जो मैंने चंद्रमा से सीखा और सूर्य को बनाया। बोले सूर्य से मैंने सीखा, सूर्य भगवान जब उदित होते हैं तो वो ये कभी नहीं देखते कि मेरा प्रकाश कहाँ जा रहा है, मंदिर के कलश पर पड़ रहा है या गंदी जगह पर पड़ रहा है या कहाँ पड़ रहा है, उसको तो प्रकाश देने से मतलब। ऐसे संत ज्ञानी महापुरुष को होना चाहिए, केवल उपदेश करना चाहिए। उस कथा उपदेश में सज्जन भी आते हैं दुष्ट भी आते हैं, भेदभाव के हिसाब से ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए। ये मेरा भक्त है इसको कथा सुनाऊंगा, ये मेरा भक्त नहीं है इसको नहीं सुनाऊंगा, ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसको तो उपदेश देने से मतलब, जैसे सूर्य भगवान कि आठवां गुरु मैंने कबूतर को बनाया। बोले कबूतर से क्या शिक्षा ली? बोले एक जंगल में कबूतर रहता था, दोनों पक्षी को पक्षी दाना देने गए थे, उसके बच्चे थे। एक बहेली आया, उसने जाल बिछाया और बच्चे दाना चुगने के लिए उस जाल में उतर गए। बाद में कबूतर आया, उसने आकर देखा कि मेरा सारा परिवार इस बहेलिया ने फंसा लिया है, तो कबूतर भी उस जाल